भागे नम चंदन समाजुक्ति नाना पुष्प सुशोभिति बिल्लपत्र कृता बार्षी जेस सचंदन दादा भाई না ও থাক ওই থাক মায়ের চন্দনেন সমাযুক্তি নানা পুষ্প সুশোভিতি বিল্লপত্র কৃতাবাসী এস সচন্দন গন্ধপুষ্প বিল্ল পত্রান্বিত পুষ্পাঞ্জলি নম দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিন্নয়ী মহাঘুরাওয়ী যোগিনী কোটি পরিবৃতাওয়ী ভদ্রকাল্যই এই বিপদ তারিণী দূর नहीं दादा जो हैं बहुत श्रद्धा से रखते हैं और हम भी बहुत श्रद्धा से यहाँ आते हैं, हमारा परिवार आता है और हम 15-20 साल से, एक्चुअली बचपन से मेरी माँ बंगाली है थी, तो पहले एस मुखर्जी जी के यहाँ होता था पूजा, तो मम्मी जब से जुड़ी हुई होती थी, कभी पूरी बनाती थी कभी सब, हम बचपन से ही मतलब मैंने कोई साल ऐसा नहीं मिस किया होगा कि मैं दुर्गा पूजा के वक्त किसी मंदिर में या किसी मंडाल में नहीं गया हूँ। सर विश्वजीत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विश्वजीत जी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आप आने वाले हैं और विश्वजीत जी आपको बहुत मानते हैं। इनका पूरा परिवार विश्वजीत ये नहीं है सर, मगर पूजा फुलफिल होता है। हम बहुत सालों से हर साल 15 बहुत बड़े फैन रहते थे इनके, मैं जब छोटा था तो उनकी पिक्चरें देखता था और अब भी फैन हूँ क्योंकि वो इतनी श्रद्धा से ये सब काम करते हैं, इतनी लगन से काम करते हैं। मैं तो रोशन साहब भी बहुत उनको मैं श्रद्धा करता हूँ, आज भी करता हूँ। म्यूज़िक वर्ल्ड में उन्होंने जो किया, उसके बाद राजू भाई का जो कंट्रीब्यूशन है राजेश रोशन जी का, तो बहुत बड़ा। ये रोशन फैमिली बहुत टैलेंटेड फैमिली है, फुल फैमिली, तो इसलिए बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू वेरी मच रोशन। थर्ड डे है महाअष्टमी की पूजा के बारे में, जो अष्टमी का पूजा जिस तरीके से होता है हर कास्ट में, वैसे ही हमारे तरीके भी हैं। हम एंजॉय भी कर रहे हैं, हमारी बहू आई है पहली मीन्स 3 दिन में फर्स्ट टाइम, पहले हर टाइम में लास्ट लाइन, हाँ तो आई एम रियली एंजॉइंग हर कंपनी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मस्ती करते हैं, है ना? पूजा तो है ही, उसके साथ हमारी मस्तियाँ भी है, तो आप इनका भी लीजिए, बताएंगे क्या मस्ती करते। और राकेश रोशन जी आए थे अभी, वो तो है घर वाली बात है, वो मेरी घर वाली बात है, ही इज माय फैमिली, नॉट ही फुल फैमिली, रोशन फैमिली इज आवर फैमिली, तो वो तो आते ही रहेंगे, नहीं भी बोलूंगी तो आ जाएंगे, वो इतने अच्छे हैं। हाँ तो आप ले लीजिए प्लीज, आई विल गो आउट। सर आज पूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
पूजा का तीसरा दिन है, तो आज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज तीसरा दिन है, लेकिन आज महाअष्टमी जो है हमारे बंगाली के लिए सबसे बड़ा पूजा का दिन है महाअष्टमी। और इस बार क्या हुआ, एक संधि पूजा होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो एक ही दिन में, और ये जनरली रात को होता है संधि पूजा, लेकिन इस बार 12 बजे है संधि पूजा, इसलिए काफ़ी लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गर्मी इतनी है, गर्मी से सब थोड़ा परेशान, तकलीफ हो रही है सबको, तो हमने एसी का थोड़ा बंदोबस्त किया, लेकिन ये एसी भी थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा। जो भी है, महाअष्टमी के दिन इस बार हमारा म्यूजिकल प्रोग्राम जो हम करते थे पहले, मुंबई के सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब विश्वजीत दादा जी के पूजा में गाना गाया है, हर एक आर्टिस्ट, मतलब जितने भी नामी आर्टिस्ट हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद से हमने बंद कर दिया, बिकॉज 10 बजे पुलिस आ जाती है उसको, और आवाज़ कम करने के लिए कहते हैं, इसके लिए हमने, लेकिन ये 15 साल का पूजा है, एक वेरी वेरी स्पेशल, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा सा म्यूज़िक रखा है। वैसे तो मैं म्यूज़िक लवर हूँ, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो इस बार मैंने सोचा क्या किया जाए, बड़े आर्टिस्ट जो हैं सब बिजी हैं, तो मैंने हमारे ज़माने के जो सबसे बड़े सिंगर थे उनके नाम से विश्वजीत ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी, आज का जो प्रोग्राम है वो मैंने रखा है, उसमें रफ़ी साहब के परिवार के सभी लोग आ रहे हैं, है ना, उनका बेटा शाहिद रफ़ी, उनकी बेटी नसरीन, दामाद परवेश भाई, सभी आ रहे हैं, तो ऐसे भी है वो परवेश भाई जो हैं एयरपोर्ट से सीधा इधर आएंगे, फुल फैमिली इधर आएंगे आज रफ़ी साहब के, वही एक है, बाकी तो इवनिंग में राजेश रोशन भी है, रवि साहब म्यूजिक डायरेक्टर जो थे चौधरी का चांद वगैरह, उनका बेटी है छाया जी, वो भी आ रही हैं, तो काफ़ी लोग रहेंगे, मतलब जो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं उनमें से सब रहेंगे। और कल एक बॉलीवुड नाइट है, वो जरूर म्यूजिक हिंदी बंगाली सब मिक्स करके, ये आ गई हैं, ये भी गाएगी कल, तो हम भी गाएंगे, मतलब वो एक फैमिली टाइप का है, तो हम जो मर्जी है हम लोग करेंगे कल, तो ये। और ये महाअष्टमी का पूजा, इसका भोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो दोपहर को हम जो भोग में हम कई बार, एक आध बार हुआ है हमने फ्राइड राइस या जो हमारे कुक हैं बनाए फ्राइड राइस थोड़े चेंज के लिए, पुलाव लोगों को पसंद नहीं, जो दो दिन मिस किया थर्ड डे आके कहते हैं ये खिचड़ी किधर है, खिचड़ी किधर है, भोग का मतलब है खिचड़ी फर्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, तो इस बार मैंने तीनों दिन खिचड़ी रखी है, बाकी सब्जी वब्जी थोड़ा चेंज करो, चटनी है थोड़ा चेंज करो, ये है। तो आज भीड़ भी मैं एक्सपेक्ट करूँगी, कल भी काफ़ी भीड़ थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये लोग सब साथ देंगे, पब्लिक को हम लोग खिलाएंगे, वही हमारी खुशी है, माता का नाम है अन्नपूर्णा, अन्नदान करती हूँ। आप एक सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट को भूल रहे हो। मैंने भूला नहीं, नहीं नहीं रुकिए, यहाँ पे हमारी एक सबसे सीनियर है, इनकी सास बैठी हुई है जो कि हमारी स्पेशल गेस्ट है, ये आप कुछ बोलिए, दामाद के पूजा पे आप आए हो? दामाद का पूजा में आया, दामाद मेरा बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा इंसान है, मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, हाँ मेरे का देखभाल करना, इधर उधर ले जाना, सब कुछ करते हैं, हम बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। तो आज की पूजा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अब 15-16 साल से दामाद मेरा पूजा कर रहा है, बहुत अच्छे से पूजा हो रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, बेटी दामाद दोनों मिल के, पोती मिल के सब। पूरे साल मैं वेट ये होता है, मैं कब ये टाइम आएगा और मैं यहाँ पे आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पूजा होते है, बहुत ही एकदम ट्रेडिशनल जो वे है, उसी तरीके से 15 साल से ये पूजा चल रही है, और कलकत्ता में जो होता है ना अभी बहुत थीम बेस्ड पूजा हो गया, उसका एक अलग चरण है, लेकिन मैं पर्सनली जो फील करती हूँ कि वहाँ पे जो जो दुर्गा माँ का जो जो मैजिक है वो कभी कभार मिस हो जाते, इतना थीम के ऊपर वो लोग फोकस करते हैं कि उसमें वो पूजा वाला एम्बियंस, पूजा वाला चीज़ ना मिस हो जाता है।
हाँ, जो यहाँ पे आके मिलता है, जो आप ये जो ये एक्चुला, हाँ हम लोग ये बंगाली में एक्चुला खाते हैं, दिस इज द ओरिजिनल ट्रेडिशनल यू नो आइडल, सो दैट ही फॉलोज दिस थिंग मेटिकुलसली फॉर 15 इयर्स ही हैज बीन डूइंग दिस, एंड द वे आई get an opportunity to participate in the puja and spend you know so much time with Durga Ma, I mean ye to yahi pe aake le sakta hai, to iska jo magic hai, iska jo charm hai, us wo hi khinch lata hai mujhe Kolkata se. Aaj subah airport se Darjeeling bhag gaye hain, phir taiyar ho gaye abhi aaye, तो ये है जो एक लगाव होता है ना एक पूजा के साथ, वो है सभी में है, इनमें भी बहुत ज़्यादा है, भागा दौड़ी ज़्यादा करती है. और आज आप क्या कहना चाहेंगे, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आपका ड्रेस भी, थैंक यू. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, फैमिली का पूजा है, दुर्गा पूजा है, मम्मी पापा दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत सालों से, और हम तो यहाँ एंजॉय भी करते हैं, काम भी करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन इन लोग मुझे देते हैं कमिटी से मैं वही फॉलो करती हूँ, बस अपना पूजा एंजॉय कर रहे हैं. पूजा किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके, हाँ जैसे हम तो यंगस्टर्स हैं, हम सिर्फ अपने न्यू कपड़े खरीदते हैं, पहनते हैं, सस्ते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉल्स में खाना खाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, बहुत सारा अड्डा मारते हैं, यही हमारी एंजॉयमेंट है, बाकी बड़े क्या कर रहे हैं वो देखने के हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है. अच्छा हमारे फैमिली अपने कमिटी मेंबर्स का, सर आज पूजा का तीसरा दिन है तो आज आप क्या कहना चाहेंगे पूजा के बारे में. आज पूजा का तीसरा दिन तो है, उसका साथ साथ महाअष्टमी हम लोग के लिए बहुत स्पेशल माने रखे हैं, बहुत महत्व है अष्टमी तिथि का, तो इसको हम दिन से मानते हैं अष्टमी तिथि का, और ये पूजा हमारा रूप से विशेष पूजा है, और इस बार का विशेष ये है अष्टमी तिथि का साथ साथ संधि पूजा भी आ गया, मतलब आज नवमी अष्टमी खत्म होकर नवमी भी आ रहे हैं, तो एक साथ पूरा पूजा चल रहे हैं, और दादा का प्रयास है, विश्वजीत दा का प्रयास है, मैं साथ में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ जू में अच्छा पूजा हो जाए, और साथ में बहुत लोग आते हैं, और आज का पूजा का साथ भोग का भी आयोजन है, शाम में कल्चरल प्रोग्राम भी रखे हैं, कोशिश करते हैं जो पूजा सबसे अच्छा पूजा हो, ये कोशिश जारी रहे, माँ का कृपा से हम लोग अगला साल और अच्छा पूजा बनाए, ये उम्मीदों का साथ हम चाहते हैं ये मोहा अष्टमी का पूजा बहुत धूमधाम से हो जाए. आज पूजा का तीसरा दिन है तो सर आज अष्टमी भी है, तो आज आप अष्टमी के और पूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे. दुर्गा पूजा, देवी दुर्गा पूजा, अष्टमी पूजा तो दुर्गा पूजा तो डेली का ही हो, षष्ठी से दशमी तक का, लेकिन अष्टमी विशेष तौर पर और संधि पूजा के साथ ये बहुत मान्य रखते हैं, ये बहुत ही जरूरी है इसमें देवी माता के लिए, हमारा इस पर हम लोग सब लोग इसमें शामिल होते हैं. रही बात विश्वजीत जी की बात, मैं तो कभी सोचा नहीं था, मैं उनका बड़ा बहुत बड़ा फैन हूँ, आप यकीन मानोगे बचपन में ट्यूशन जाते हैं, 1955 का बात कर रहा हूँ, 60 का बात कर रहा हूँ, और हमारा उत्तम कुमार स्टार थे, विश्वजीत दादा भी सुपरस्टार थे, दुई भाई पिक्चर था, हम लोग वो टाइम में गए थे स्कूल में, स्कूल का बुक साइड में रख के सिनेमा भाग गए, लेकिन वो टाइम पे पता नहीं था कि एक दिन हमारा इस एज में, आई एम 72 नाउ, 72 साल में दादा के साथ इस मुताबिक जुड़ेंगे, इस मुताबिक जोड़ेंगे, हम बहुत फैन थे, उन्होंने तो बहुत कामयाबी हासिल की हिंदी में, बंगाली में भी, आज भी उनको बहुत ही लोग बहुत ही वो करते, वो सम्मान करते, बहुत दया करते, इसीलिए हम लोग हमेशा पूजा का टाइम पे यहाँ रहते हैं, और बॉम्बे में 40 साल से हूँ, हम उनसे शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, शुरुआत से ही उनसे जुड़ा हुआ है, जब से पूजा चालू हुआ तब से हम रहते ही हैं, हमेशा रहेंगे, कोशिश भी करेंगे हर साल या ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट ओके.